बड़ी गिरावट के बाद क्रूड में अब रिकवरी दिख रही है। कच्चे तेल को लेकर क्या है बड़ी खबरें बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विश्व मोहन। विश्व मोहन, बताएं आखिरकार क्रूड का जो रफ्तार है अब कहां तक पहुंचने वाली है, आज क्या वजह रही कि क्रूड के दाम फिर से उछाल मारने लगे हैं। देखिए, जिस तरह की गिरावट आई थी नवंबर के महीने में, हमने देखा था कि क्रूड की कीमतें 20% तक टूट गई थी, तो एक निचले स्तर पर एक बाइंग आई है और $85 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव चला गया है। लेकिन कुछ अहम ट्रिगर है जो अगले हफ्ते के लिए क्रूड की कीमतों पर दोनों तरफ से प्रेशर डाल सकते हैं। पहला ट्रिगर तो यह है कि ओपेक प्लस की 4 दिसंबर को बैठक है, जहां पर अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्पादन कटौती का ऐलान हो सकता है, या जो अक्टूबर में जो उत्पादन कटौती का फैसला हुआ था रोजाना 2 लाख बैरल का, उसी पॉलिसी को आगे ले जा सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि G7 देश रूस के क्रूड ऑयल पर प्राइस कैप लगाने वाले हैं। $65 से $75 पर प्राइस कैप लगाने पर विचार चल रहा है, लेकिन वो ऑलरेडी बाजार में उसी प्राइस के आसपास में रूस की तरफ से क्रूड की बिक्री होती है, तो इससे रूस पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होगा और सप्लाई की दिक्कतें नहीं होगी। तीसरी खबर ये भी है कि यूरो जोन की तरफ से जो रूसी ऑयल पर जो पाबंदी लगनी है, सैंक्शन जो लगने हैं, उसकी भी तारीख 5 लाइन है, वो डेडलाइन है, वो भी प्रभावी 5 दिसंबर को ही हो जाएगी। तो कुछ अहम खबर है जो क्रूड के लिए को काफ़ी दोनों तरफ भी दिशा दे सकते हैं। और चौथी सबसे बड़ी खबर है चीन को लेकर, जहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार कोरोना जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ, वहाँ पर लोग विरोध कर रहे हैं और वहाँ के डिमांड आउटलुक को लेकर काफ़ी चिंता है। तो ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो क्रूड को दोनों तरफ ही मूवमेंट दे सकते हैं, और यही वजह है कि निचले स्तरों पर फिलहाल बाइंग दिख रही है। लेकिन एक्सपर्ट्स को लगता है कि आपको दोनों तरफ की चाल के लिए क्रूड में तैयार रहना चाहिए। जी विश्व मोहन, इन तमाम जानकारी के लिए बढ़ते हैं आगे।